रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। रामविलास पासवान के निधन से देश और खासकर बिहार की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हुआ है। रामविलास उन नेताओं में से थे जिन्होंने अपनी मेहनत से सालों तक मेहनत कर बिहार की राजनीतिक जमीन पर बड़ी जगह बनाई थी। वह इस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे। करीब 5 दशक तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले रामविलास को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। रामविलास पासवान के एक ऐसे नेता थे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। MA LLB D Lit करने वाले रामविलास पासवान ने 1969 में चुनावी राजनीति में कदम रखा और पहली बार विधायक बने। तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। 1977 में रामविलास ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत कर सांसद बने। ये कोई आम जीत नहीं थी। वह हाजीपुर लोकसभा सीट से 4,24,545 वोटों से जीते। ये इतनी बड़ी जीत थी कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पहली बार जब वह सांसद बने थे तब उम्र 31 साल ही थी। आपको बता दें कि देश के अग्रणी दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले रामविलास 9 बार सांसद बने। 1969 से लेकर वह अब तक सक्रिय रहे और सत्ता के केंद्र में रहे। वह कई बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने UPA और NDA सरकारों में वह कोयला खनन मंत्री, रेल मंत्री, श्रम एवं कल्याण मंत्री सहित कई मंत्रालय संभाले। इस समय वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद थे। न्यूज डेस्क।